नमस्कार आदाब, मैं हूं देव, आप सभी का स्वागत है। आज हमारे पास गाड़ी है विटारा ब्रेजा और इसके अंदर हमने इंस्टॉल करे हैं फोकलेम, क्योंकि इसके अंदर फोकलेम लगे हुए नहीं आए थे, तो इसके अंदर हमने फोकलेम लगाए। आइस क्यूब टाइप के फोकलेम इसके अंदर हमने लगाए जो राउंड में देख सकते हैं आप, आपको दिख रहा होगा। और राउंड में जो है इसकी रिंग है DIL टाइप की, तो वो भी इसके अंदर चलेगी। और इसकी वायरिंग आप देख सकते हैं भाई, पूरी कंसील्ड वायरिंग है। ये देखिए आप, मतलब वायरिंग आपको दिखेगी नहीं, सिर्फ एक ही बार आपको दिख रहा होगा जो बैटरी के माइनस में लगा हुआ है। ठीक है, तो ये इसकी वायरिंग है भाई। मैं अंदर दिखाता हूँ उसका स्विच आपको, स्विच भी आप इसका देखिए। चलते हैं हम गाड़ी के अंदर, ये देखिए जरा स्विच, ये स्विच लगा हुआ भाई, पूरा ओरिजिनल टाइप का स्विच है। ये देखिए आप, ओरिजिनल स्विच है ये ब्रेजा का। ठीक है भाई, तो ये जगह में स्विच लगाया है, पार्किंग ऑन करेंगे स्विच दबाएंगे तो आपकी प्रॉब्लम चालू हो जाएंगे। और पीछे की सीट हमने खोल के रखी है, तो पीछे की सीट क्यों खोली हमने वो भी मैं आपको बताऊंगा। बाकी सीट हमने नहीं खोली, सिर्फ पीछे का टेका जो है वो हमने खोला है। ठीक है भाई, ये हमारे प्रॉब्लम, मैं आपको जला के दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है वाइट कलर की प्रॉब्लम, जो आपको रिंग दिख रही तीन अंदर वो जल रही है इसके अंदर। ठीक है ना, इसकी रोशनी भी आप देख सकते हो दिन के समय, ये इसकी रोशनी है, ये देखिए। ठीक है, अब इसमें चलेगा इंडिकेटर, ये देखिए ये इंडिकेटर है इसका, ये देख सकते हैं अभी इंडिकेटर चल रहा है ये लेफ्ट साइड का। तो रिंग है वो इंडिकेटर में है और ये फोकलेम। ठीक है ना, ये इंडिकेटर पे देखिए जल रही फोकलेम, अंदर की रिंग भी जल रही है इंडिकेटर पे। तो भाई दोनों चीज हमारी वर्किंग में है, फोकलेम भी और इंडिकेटर भी। वो देखिए आपको रिंग दिख रहा होगा, जला के दिखाता हूँ आपको एक बार। ये देखिए जो रिंग है वो इंडिकेटर पे है, बाकी अंदर जो है फोकलेम है। ठीक है ना भाई, तो ये हमारा फोकलेम का इंस्टॉलेशन था जो हमने फिट किया है फोकलेम। अब मैं दिखाता हूँ सीट के बारे में आपको। तो सीट हमने पूरी खोल ली, ये देखिए आप, ये सीट का पूरा फॉर्म हमने निकाल लिया, इसका ओरिजिनल सीट कवर जो हमने निकाल दिया है। अब सीट कवर हमने क्यों निकाला है ये भी मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर आपको दिख रहा होगा, इसके अंदर हेड रेस्ट का कोई ऑप्शन नहीं है। ये देखिए आप, कवर में सिर्फ सीट फोल्ड करने के लिए ये ऑप्शन दिया हुआ, बाकी हेड रेस्ट का ऑप्शन नहीं है। ये देखिए आप, ये देखिए सिर्फ सीट फोल्ड करने का ऑप्शन है, बाकी हमारा जो फॉर्म है कंपनी का उसमें ऑप्शन दिया हुआ है। ये देखिए, ये फोल्डिंग का है और ये चार सीट आपको दिख रहे हैं, ये हेडरेस्ट के कंपनी ने दिया हुआ है, लेकिन हेडरेस्ट लगे हुए नहीं आए। ठीक है, तो हम इसके अंदर हेडरेस्ट लगा रहे हैं। ये देखिए जो फ्रेम भी है लोहे का, इसमें भी कंपनी ने ऑप्शन दिया है कि आप हेडरेस्ट लगा सकते हो। तो इसके लिए हम ये पाइप जो है इसके अंदर बेल्ट करेंगे, चौका कलर का पाइप आपको दिख रहा होगा, वो इस तरीके से इसके अंदर बेल्ट होगा। ठीक है ना, बेल्ट होने के बाद इसके अंदर लगेगी और ये हुआ इसकी फिटिंग जिसमें हेडरेस्ट लगेगा, ये क्लिप जो कि जो पाइप के अंदर लॉक होंगी और उसके बाद इसके अंदर हेडर्स लगेगा। भाई ये मारुति का जीएन पार्ट है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है ना, पाइप में ये देखिए इस तरह से लगेगा, ये रख के दिखाता हूँ मैं आपको फिट करके। ये देखिए ये इस तरह से लगेगा, ये इस तरीके से लॉक दे रहा है आपको, साइड में दबाएंगे लॉक तो हेडर्स आपका निकल आएगा और दबाएंगे तो लॉक हेडर्स अंदर चले आएगा। इस तरीके से बेल्ट हो के इस तरीके से ये क्लिप जो लॉक है ये लग जाएंगे अंदर। ठीक है ना भाई, तो हम चलते हैं अब एड्रेस को, सॉरी अपने पाइप को बेल्टिंग करवाने के लिए, तो उसका बेल्ट करवा के लाते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है ना, ये चार लॉक हैं, चारों जगह लगेंगे, दो जगह लेफ्ट साइड में दो राइट साइड में। चलते हैं भाई बेल्टिंग करवाने के लिए। तो भाई ये हम आ गए हैं बेल्टिंग करवाने, ये हमारा पाइप इसके अंदर बेल्ट हो रहा है फ्रेम के अंदर, देख सकते हैं आप। ये पूरा बेल्ट होने के बाद फिर पाइप लगेगा। ठीक है ना, अभी पहला बेल्ट हो रहा है चारों, हम पूरा अपने मार्किंग वगैरह सब कर लिए। मार्किंग करने के बाद ही इसको हम बेल्डिंग कराने लाए भाई। अगर आपको भी लगाना तो आप भी पूरा मार्किंग करने के बाद ही बेल्ट करवाना, नहीं तो थोड़ा बहुत आड़ा चढ़ा होगा तो फिटिंग बैठेगी नहीं। ये देखिए पूरा हमने बेल्ट कर दिया है, ये देखिए ये पूरा हमारा बेल्ट हो चुका है। ठीक है ना भाई, इसका चलेंगे हम अपनी शॉप पे, उसके बाद मैं आपको फिट करके दिखाता हूँ। ठीक है ना, बेल्डिंग हमारी ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो गई है। तो भाई हम आ चुका हमारी शॉप पर, ये पूरा बेल्डिंग करा के लिए हम ले आए चारों टीके। ठीक है ना, इसका इसके अंदर हम लगाएंगे लॉक, पहले हम कर देते हैं इसके अंदर पहले स्प्रे। ये ब्लैक कलर का स्प्रे पेंट है, स्प्रे पेंट हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मॉइस्चर वगैरह ना आ जाए, जंग वगैरह ना पकड़ ले, क्योंकि बिल्डिंग कराया हमने, कंपनी ने भी बहुत जगह छोड़ दिया, उसको भी हमने पेंट कर दिया, स्प्रे कर दिया, दिख रहा होगा आपको ये कोने पर भी, तो अभी हमने स्प्रे कर दिया है। क्या बरसात के मौसम में थोड़ा मॉइस्चर आ जाते हैं, जंग लगी जाती है फ्रेम में, चारों तरफ चारों उसमें हमने स्प्रे कर दिया, लेकिन इनमें भी स्प्रे किया नहीं तो उसमें हमने स्प्रे कर दिया है। तो भाई ये रहा हमारा फॉर्म, सीट का फॉर्म है, इसको हम लगाएंगे। देखिए हमने पाइप बेल्ट करवा के लाए हैं, इसके पहले हमने लॉक नहीं लगाया, लॉक हमारा लगेगा बाद में। ठीक है ना, सीट कवर लगने के बाद ये पाइप लग गया, इसका फॉर्म लगाएंगे। ये हमने सीट फोल्डिंग वाला
बाहर निकाल लिया है। ये देखिए इस तरीके से हमारा पाइप बेल्ट हो गया, पाइप हमारा बाहर आ गया। पूरा फॉर्म लगाने के बाद, कवर लगाने के बाद फिर हम उसके अंदर क्लिप लगाएंगे। तो पूरा फॉर्म वॉर्म फिट करते हैं भाई हम लोग इसके अंदर, ठीक है ना। ये रॉड थोड़ी निकाल लिया बाहर रॉड को। ये पूरा फॉर्म हमारा फिट हो चुका है, ये देखिए आप। इसका हम लगाएंगे इसके अंदर कवर, तो कंपनी का जो ओरिजिनल कवर है उसको चढ़ाने के बाद फिर हम क्लिप लगाएंगे इसका। फिर हेडर्स लगाएंगे, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। सीट कवर लगने के बाद वही सीट कवर लग गए, देखिए। उसके बाद ऊपर तक हमने क्लिप लगाई है, ठीक है ना। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए ये क्लिप लगी हुई पूरी प्रॉपर तरीके से लॉक हो गई है ये, ठीक है। ये देखिए, और ये हमारा हेडर एक लग चुका है, ये देखिए, ठीक है ना। ये हेडर आपको लगा कर दिखाता हूँ। ये हेडर लगाया, ठीक है, ये लॉक दबाया और ये इजीली घुस गया। तो बहुत ही आसान है भाई लगाना, घर पर भी चाहे तो कर सकते हैं, आसान है। बहुत जरूरी नहीं कि आपको शॉप पर आना पड़े। हाँ, बाय चांस अगर आप नहीं कर पाते तो आप बिल्कुल हमारे शॉप पर आ सकते हैं। भाई हम सीट कवर का सीट लगाते हैं इसकी। तो भाई सीट लगाने के बाद देखिए आप लुक गाड़ी का, मतलब कोई कहेगा नहीं कि आफ्टर मार्केट हमने एड्रेस इसके अंदर फिट करें, कोई भी कहेगा कि भाई कंपनी से ही फिट करें। तो भाई ये काम आप घर पर भी कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो बिल्कुल आप हमारी शॉप पे आ सकते हैं, स्टार कार डेकोर एंड एक्सेसरीज, जो कि भोपाल में एम पी नगर जोन 2 में। भाई डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर डाल दूँगा। और भाई वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।